सीरियल अनुपमा का आज का एपिसोड काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। शुरुआत होती है बा और बा की दोनों ही घर वापस आ रहे होते हैं और पड़ोसनी उस पर ताना दे रही होती है। जब बा कहते हैं कि तू कान में क्या फुसफुस रहा है, जुगे रहा है मेरे मुंह पे के ना, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि बा उसे जोरदार तमाचा मार देती है कि मेरे बहू के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। और पड़ोसन कहती है कि तेरी बेहू बहू की वजह से तेरा बेटा तुझसे दूर चला गया है। और अनुपमा के घर वापस लौट आया हस्बैंड, लेकिन वो उसे माफ करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि सोतन को भी अपने घर में रख लिया था। ऐसी कोई बहू होती कि मेरी होती तो मैं कुएं में धक्का देती थी। और बा इस बात पर ही उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद में वो पुलिस को बुला लेती है और सबके घर पूरे मोहल्ले में तमाशा शुरू हो जाता है। पुलिस आती है और कहती है कि बा को हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, और बा को गिरफ्तार करके ले ही जा रही होती तभी वहां पर राखी आती है और वकील लेकर आती है और उस पड़ोसन को धमकाती है कि तुम्हें अगर ये वकील और केस वाला गेम खेलना है तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ, चलो शुरू ही कर देते हैं फिर। और वो डर जाती है और वापस अपनी कंप्लेन वहीं पर वापस ले लेती है। इसके बाद में पुलिस वापस चली जाती है और दिखाया जाता है कि बा को यहाँ पर वो अंदर लेकर आते हैं और बा कहती है आज रागी नहीं होती, मैं आज ठाकुर जी के जन्म स्थान पर पहुँच जाती। और इसके बाद में घर में यहाँ वो खाना बनाने की तैयार करते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता राखी यहाँ पर काव्या को ताना कसते हुए नजर आती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के सामने नजर आती है और उसे कहती है कि अब मिसेस शाह और मिसेस शाह तो दोनों ही कर्फ्यू की वजह से बाहर फंस चुके हैं, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करो। और काव्या अपने हस्बैंड के साथ नई कॉफी जग की कॉफी वाली जगह जाते हैं जहाँ पर उन दोनों की फेवरेट जगह होती थी कभी, और वो वहाँ पर उसके हस्बैंड उस अपने यादों को मिस करते हुए नजर आते हैं कि मैं जब भी तुम्हें मिस करता हूँ मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यादें तो कभी भी आ सकती हैं। और काव्या कहती है कि मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ मेरे डिसीजन पर, तुम्हारे लिए बुरा जरूर लगा लेकिन मुझे कभी अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं हुआ और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद यही प्यार है। तो दूसरी तरफ राखी खुद खाना बनाकर सबको खिलाती है और सभी लोग पहले की यादों को ताजा करने के लिए वापस से यहाँ पर पाखी वो वीडियो चलाती है टीवी में और सभी लोग उसको एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ वनराज अब इन पलों को यहीं पर रोक कर रखना चाहता है और कहता है कि जब भी तुम्हें जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, जो भी मुश्किल होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहाँ पर उस घड़ी को रोक लेना चाहता है, मन ही मन कहता है कि जब ये वापस दिन जा रहे हैं तो हमें ये मुझे लग रहा है कि इसको रोक लेना चाहिए। और आज के एपिसोड यही खत्म होता है, तो आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब अनुपमा और वनराज दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि घर वालों को बता देना चाहिए कि तलाक होने वाला है, लेकिन उनसे पहले ही काव्या उनके पहुंचते ही ड्रामा शुरू कर देती है और सबको बता देती है, जिससे कि सबको बड़ा झटका लगने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होंगे, जल्दी अनुपमा आपको नजर आएंगी शो में। तो कितना एक्साइटेड आप इन्हें देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के एपिसोड के अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे।